पाली सूरजपुर पर बन रहे कॉम्प्लेक्स को लेकर जनता कॉलोनी निवासी रमेश वैष्णव पुत्र बाबूदास वैष्णव पुत्र महंत स्वर्गीय विष्णुदास आरोप लगाते हुए बताया कि बिना नगर परिषद अनुमति के बन रहा अवैध कॉम्प्लेक्स की जमीन का मालिक मेरे दादाजी हैं और इसके सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। मैंने नगर परिषद में इसकी सूचना कई बार दी, लेकिन वहां से मुझे संतुष्ट जवाब नहीं मिला। मैंने 4 महीने पहले कोर्ट में भी दावा पेश किया है, लेकिन नगर परिषद के बिना अनुमति के निर्माण कार्य हो रहा है। इस मामले को लेकर मैंने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी करवाया है। जो कलेक्टर को आज ज्ञापन दिया, ये पूरा मामला क्या है? कलेक्टर साहब को तो ज्ञापन दिया है मैंने, ये जो भवन निर्माण कर रहे हैं इन्होंने भवन निर्माण के लिए नगर परिषद में फाइल लगाई है, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक आज दिन तक इनको परमिशन नहीं दी है। कौन सा भवन निर्माण? सूरज बॉल पे जो भवन निर्माण हो रहा है बिल्डिंग का, और ये बिल्डिंग मेरे दादाजी के नाम की है, और इन्होंने गलत और अवैध तरीके से अपने नाम कार्रवाई कर उल्टा सीधा कर इस बिल्डिंग को हड़पना चाहते हैं, और इसका मामला कोर्ट में भी विचाराधीन चल रहा है। अच्छा। इसकी आगामी तारीख 2/8 है, और ये बिल्डर सुनील भंडारी भूमाफिया और मेन वासुदेवाचार्य धीदड़ा और कन्हैया लाल वैष्णव जो शिवसेना का पूर्व हरा हुआ टपुरी प्रत्याशी है, इन्होंने मिलकर हमारे को अंधेरे में रखकर ये कार्रवाई की है, जो बिल्कुल ही कानूनी तरीके से गलत कार्रवाई लोग ये कर रहे हैं। नगर परिषद में आपने जो अवैध निर्माण हो रहा, नगर परिषद क्या कह रहा है? नगर परिषद में अवैध निर्माण के खिलाफ में मैंने सैकड़ों बार लिखित में अर्जियां दी, आयुक्त महोदय भी उनकी भूमिका इनके साथ में है, चेयरमैन भी मिला हुआ है। नगर परिषद भवन निर्माण की जो समिति है, भवन निर्माण समिति, उसके जो कर्मचारी है नरेंद्र सिंह सुखराम एक्सीएल और जयन वगैरह, इन सब की भूमिका इनके साथ है। ये पैसा लेके आंखें मूंद के बैठे हैं, और उनके सामने ये चांदनी का इमारत बनकर तैयार हो गई। आज कलेक्टर को आपने ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या कहा? आज कलेक्टर साहब मिले नहीं थे, उनकी जगह पर एडीएम सिलिंग अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब को मैंने ज्ञापन दिया है, और नगर परिषद आयुक्त को भी ज्ञापन दिया है। आयुक्त साहब को मैंने आज बोला कि 9 तारीख शुक्रवार के दिन आपकी मीटिंग हुई, उसमें आपने इस पत्रावली को पेंडिंग रखा, उसके बावजूद इन्होंने परमिशन नहीं ली है, तो भी ये भवन निर्माण बन गया, आपने इनको रोकने के लिए क्या किया? उन्होंने बोला ये भवन तो बनेगा और इसकी परमिशन मैं आज इनको दूंगा, आपको जो करना है आप कोर्ट में दीजिए। आप क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ सर, मेरे साथ में न्याय होना चाहिए।